भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती मनाई गई। नई सड़क स्थित कुदे चौकी पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के नायक तथा देश के पिछड़ा वर्ग के सर्वोच्च नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में सभी लोगों ने सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्पांजलि श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया तथा उनके द्वारा राम मंदिर आंदोलन कार सेवकों के सहयोग योग में दिए गए अद्भुत क्षमता शक्ति के योगदान पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कल्याण सिंह जी के कार्यकाल को लोग राम राज्य की ओर ले जाने वाले शासन के रूप में याद करते हैं। एक सुदृढ़ सुशासन, अपराध आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन उनकी ही देन है। उनके द्वारा किए गए अनेक कार्यों को लोगों ने याद किया। कार्यक्रम में मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, ओम प्रकाश यादव, धीरेन्द्र शर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब अपने श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान तथा हिमाचल के गवर्नर रह चुके आदरणीय कल्याण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब ने गीता मंदिर गेट पर उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया है। ये एक ऐसे राजनेता के रूप में माननीय कल्याण सिंह जी जाने जाते हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्मभूमि के आंदोलन में अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार करके सरकार को कुर्बान करके उन्होंने उस आंदोलन में सहयोग किया था और एकदम छाती ठोक करके कहते थे कि अगर ये ढांचा गिरा है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। ऐसे राजनेता को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो हुतात्मा जहाँ भी हो ईश्वर उनको शांति प्रदान करे और हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर यही हमारी उनकी ओर पुष्पांजलि, स्वरांजलि, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है।